दीजिए। नहीं बैठ 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 बैठ। अपने दिल की कुछ बात करने आया हूं। एक ही मेरा शेर है हरमन, तू जाननी चंगी तरह, और तेरे तो चंगा कौन जानेगा, और मैं दिल दी गल और किस नाल कर सक मैं दस। वो पटक गया है यार, उन्हें संभाल ले। ए देख परी जी, क्या करें आप? जब तक एक समझदार लड़की उसका हाथ नहीं थामती, वो किन्नर दस आया उसके सर से नहीं हटेगा, नहीं निकलेगा। मैं अपना सीना चीर के कैसे दिखाऊं तेनू जसी, मैं कितना परेशान हूं इस बच्चे को लेके। कोई नहीं मेरा दुखड़ा समझेगा, सिर्फ आप समझोगे, क्योंकि देख जिसने अपने बचपन के दोस्त की निशानी अभी तक संभाल के रखी है। मैं बचपन के प्यार को नहीं समझता, जो अपने सपने छाड़ के सात समंदर पार अपने दोस्त के लिए आ सकती है। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहता मेरे बच्चे। रब सिद्धियां पाएगा, सतनाम श्री वाहेगुरु। अरे ये दरवाजा क्यों बंद करके रखा हुआ है? सुरभि जी, दरवाजा खोलो ना, खोलो। देखो ना, तुम्हारा निकम्मा पति आया है, दरवाजा खोलो ना। दरवाजा नहीं खुलेगा वरुण, बाहर ही रहो। पागल हो गई हो क्या? अरे शर्म नहीं आती अपने पति से ऐसे बात करते हुए? चलो दरवाजा खोलो। मनिंदर सिंह जी, बेचारे नु आने दो अंदर। हाँ, अपने में दारू कौन नहीं पींदा, अब इस वजह से बेचारे नु पूरी रात बाहर रखोगे क्या? तो पाजी दमाद है आपका, आन दो अंदर इनू, चल वे। वही तो मैं कह रहा हूं, ये लोग समझते ही नहीं है। अरे दारू कौन नहीं पीता है, अरे दारू तो हर मर्ज की दवा है, दवा। किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, भाई साला मर रहा हो, किसी की नौकरी का कोई टेंशन हो, या किसी की बीवी किसी का सेट हो जाए, उसका फ्रस्ट्रेशन। सो गाइस, दारू इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। चलो चलो भाई। पकड़ बेबे, चल अंदर, चल चल अंदर। मारोगे तो नहीं ना? चल अंदर। वरुण उतरी, क्या तमाशा कर रहे है तू? तमाशा? सुर जी, मैं ठीक, इतू से चुप पिए। हाँ दादी जी, मैं तमाशा कर रहा हूँ? अरे अगर मैं तमाशा कर रहा हूँ तो वो आपकी वो सुरभि मैडम इतने टाइम से वो क्या कर रही है? एक तरफ मेरी सौम्या भाभी है, किन्नर होने के बावजूद भी हरमन की पूरी सेवा करती है, पूरा पूरा ख्याल रखती है उसका।
और एक तरफ वो है आथू भास्कर। बर्दार जो मेरी सुरभि की तुलना सिकंदर से करने की कोशिश की। अंदर जाकर सो जा, सुबह को जब नशा उतरेगा ना तब बात करेंगे। अंदर ओ हमें तो लूट लिया ओ जा जा चल वालों ने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हरमन से बात हुई? जी, सिर्फ हरमन से नहीं, अंकल जी से भी। कल रात उन्होंने भी मुझसे कुछ कहा, लेकिन आंटी जी मैं चाहती हूँ कि मैं ये सारी बातें एक ही बार में सबके साथ करूँ। हाँ सब यही है, अभी कर लेते हैं बात। नहीं, सौम्या की फैमिली को भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अब इन दोनों के बीच दूरियां खत्म करने का एक ही रास्ता है। और मुझे यकीन है इन दोनों के बीच की दूरियां तू ही खत्म करेगी। मैं बुलाती हूं उनको। जी लग गई पुत्र काम पे सुबह सुबह। देखना वरुण अभी तक सो रहा है, उठा दे उसे, देख उसका नशा उतरा है कि नहीं। सोने देते हैं ना उसे नानी, वैसे भी उस पर दारू का नशा नहीं है, उस पर गलतफहमी और शक का नशा है। इतनी जल्दी नहीं उतरेगा, सोने दीजिए उसे। बॉस लो ना, और कोसो, मैं भी सुन रहा हूँ, कोसो कोसो, और ये भी दुआ कर लेना कि ये वरुण सिंह हमेशा हमेशा के लिए सोता ही रह जाए। उत्तरी क्या बोल रहा है तू? तुम तो यही चाहती हो ना, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक नया ऑप्शन जो आ गया है, तुम्हारे प्यारे सुमित का। तो अब इस पति का क्या काम? जी प्रीतो जी, कहिए कुछ खास बात? ठीक है, हम सब आ जाएंगे। आइए दरोगा जी, इन सब ने मिलकर मेरी दोस्त को मुझसे अलग कर दिया, पकड़ लीजिए इन सबको। सोल्डर ले चलो सबको। एक मिनट, एक मिनट दारोगा जी, ऐसे कैसे ले चलो सबको? आपने हमें कहा कि आप लोग इस जगह से नहीं जा सकते कहीं भी, और हम लोग नहीं गए इसी जगह पे, फिर अब ये सब अचानक आप हमें पकड़ने आ गए? चार दिन से हम लोग रवीना को दिन रात ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका कहीं पे भी कोई पता नहीं लगा, और तुम लोगों के पास उसे गायब करने का खास मकसद है, इसलिए तुम लोगों को गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। गिरफ्तार कर सकते हैं हमें आप? तुम लोगों को जो कुछ भी कहना है, सुनना है, वो सब थाने में चल के कहिएगा। ले चलो सबको। चलो चलो। यहाँ ऐसा कौन कौन है जो हरमन की भलाई नहीं चाहता है? ये कैसा सवाल है? सौम्या तुम
मैं हरमन जी से प्यार करती हूँ, उनका भला ही चाहूंगी हमेशा। रानी जी, हरमन आपका दामाद है, आप जरूर इसे आशीर्वाद देती होंगी। और जब आशीर्वाद देती हैं तो क्या कहती हैं? यही कहती है ना कि दुनिया की सारी खुशियां सिर्फ हरमन को मिले। पुत्र, मैं सिर्फ कहती नहीं, मैं माता रानी से अरदास भी करती हूँ और ये मानती भी हूँ कि मेरे सोमू पुत्र और हरमन हमेशा खुश रहे। जसमीन जी, ये कैसा सवाल, और आप कहना क्या चाहती हैं? हरमन और मैं बचपन के दोस्त हैं, जो भी वो बाकी सबको नहीं बोल सकता मुझसे कह लेता है। कल हरमन ने मुझसे खुल के बात की और अब मैं सौम्य और हरमन की पूरी कहानी जान चुकी हूँ। और ये कहानी जानने के बाद मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जितना प्यार हरमन सौम्या से करता है ना, उतना कोई आदमी किसी औरत से नहीं कर सकता। लेकिन इसके बदले में हरमन को क्या मिला? आप सब तो जानते हैं ना कि क्या हुआ है हरमन के साथ, और इस बात को कोई एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता कि अब हरमन सौम्या के साथ नहीं रहना चाहता है। क्या मतलब है तेरा? इंसान है, कोई सामान नहीं। सामान नहीं है आंटी जी, इंसान ही है। पर इंसानों के भी रिश्ते टूटते हैं ना, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन डिवोर्स होते हैं कि नहीं। और जब एक पति और पत्नी के बीच में डिवोर्स हो सकता है तो हरमन को भी तो हक है ना कि वो सौम्या से अलग हो सकता है। पहली बार साढ़े खानदान के अंदर किसी ने अकल की गल की है। जिंदा रहा मेरा पुत्र। सौम्या, एक मिनट। प्लीज रुको। क्या तुम भी हरमन की भलाई नहीं चाहते हो? प्यार करती हूँ मैं हरमन जी से, सिर्फ और सिर्फ उनका भला ही चाहा है। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि हम दोनों के साथ रहने में हमारी भलाई है और इसी में हमारी खुशी है। ये अभी नाराज है लेकिन मेरा दिल जानता है कि ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। सौम्या, यही तो तुम्हारा भ्रम है। हरमन अब तुमसे नाराज नहीं है, टूट चुका है। सौम्या, उस हादसे के बाद हरमन के सामने एक सच्चाई आई है। और वो सच्चाई ये है कि तुम दोनों एक होने के लिए नहीं जुड़े हो। क्योंकि तुम दोनों अलग हो सौम्या। जसलीन, तू गलत समझ रही। एक बार, बस एक बार सौम्या की तरफ से भी सोच कर दे। जसलीन जी, हम सब मानते हैं कि आप बचपन के दोस्त हैं हरमन जी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेरी दी की इंसल्ट करने का मौका मिल जाएगा या कोई हक मिल जाएगा। आप कुछ भी बोल रही हैं। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं कि मैं सौम्या के साथ नहीं रह सकता।
और मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं इसके साथ नहीं रह सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे? जहर खा लूं, जहर खा के मर जाता हूं तब यकीन होगा तुम्हें कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना? दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। हरमन जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं ये सब? हरमन, तेरे दिल में की हो क्या? छोटी सी है तो और इतनी बड़ी बात कर दी, इतनी आसानी से इतना बड़ा कर्जा चढ़ाता है तू साढ़े खानदान से। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया अंकल जी। अरमन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और आप सब तो मेरी फैमिली है। मैं सिर्फ अरमन को खुश देखना चाहती हूँ, दैट्स ऑल। रब तेरी सारी मुरादां पूरी करे। सतनाम श्री वाहिगुरु। बेबे, ये खुशी तो भगवान मन कराई है अपनी जिंदगी में। जो हुआ अच्छा हुआ, अगर बुरा भी हुआ तो हम क्या लेना देना। एक काम कर, बच्ची को बाहर निकाल और सुबह को लेके घर चल। बाहर निकाल कर चलता हूँ। सतनाम सतनाम। हाँ जी बोलिए। सारे किन्नर मल्लिका के साथ हवा लाते हैं, जैसा आपने कहा था वैसा मैंने कर दिया। गुड, वेरी गुड। इनाम की रकम बाइज्जत आपको मिल जाएगी। चल फोन काट कर। इस किन्नर की वो जो किन्नर गैंग है वो तो गई अंदर। इस पास तो हो गई कमजोर और बाकी की ताकत भी उसकी कमजोर करनी पड़ेगी, एक एक करके, एक एक करके। किन्नर जी आप तो गए बारह के भाव में, नहीं छोड़ूंगा मैं आपको। सतनाम श्री।